यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है. द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल मिनिमम 1, a² - 4a + 6. कितना अच्छा क्वेश्चन है देखिए, समझिएगा. साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू है किसका मिनिमम, इस फंक्शन का जो दिया है 1. और ध्यान दीजिए तो ये a - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 भी लिख सकते थे. अब इसका जो मिनिमम हो, अब देखिए इसका मिनिमम आप इसमें एक ही जगह 2 भी रख देंगे तो 2 मिलेगा. तो इसका मतलब मिनिमम क्या हुआ, 1. यानी साइन एक्स प्लस, अब क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू लॉजिकली 1 है. आप ऑप्शन से वैल्यू भी ले सकते थे पर जरूरत नहीं है, इजीली हो रहा है. अगर आप इसमें √2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो एक तरह से ये साइन या कॉस किसी की भी फॉर्म में इक्वेशन बना सकते हैं. आप जिस ढंग से ऑप्शन दिए उसको देख के समझ में आता है कि साइन एक्स के टर्म में बना ले, 1 + sin 2x = 1, देन चाहे तो लिख सकते हैं sin 2x = 0, देन 2x = nπ, या x = nπ/2, राइट, nπ/2. अब ये नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप इसमें √2 का मल्टीप्लाई √2 का डिवाइड कर दें तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, sin x + π/4 = 1/√2. देखिए ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में यही एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कई बार, तो sin π/4, राइट, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं x + π/4 = nπ + -1 n (π/4), टेकिंग साइन. देखिए यही आंसर दिया, इसी फॉर्म में दिया है, यानी पॉसिबिलिटी है. इसलिए मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में ऑप्शन को भी ध्यान रखते हुए आंसर देना होता है, अदरवाइज कई बार हमें ऐसा लगता है हम सब सही करके भी क्यों मैच नहीं कर रहा, बिकॉज मिस्टेक्स कहाँ हो सकती है, वो एंगल्स अलग अलग दिखते हैं, पर वैल्यू रखोगे तो वही एंगल मिलेगा. नोट कर लीजिए क्वेश्चन को. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है. द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 + 2 cos x / 2 sin 3 x / 2 = 0. आप इसके सॉल्यूशन पूछें, आप इसको लॉजिक से सोचें तो ऐसा है, 2 cos x / 2, इसको sin x / 2 (sin²x/2) लिख सकते हैं, राइट. ये कितना हो गया, ये हो गया 1 + sin x (sin²x/2) = 0. यानी ऐसा भी बोल सकते हैं sin x (sin²x/2) = -1. अब ये पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है, -π/2 से +π/2 के बीच में, ये शायद -π से +π की लिमिट थी. -π से +π में भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जो भी रिजल्ट रखेंगे, सबसे पहले तो अगर आपने पाई या -π रखा तो 0 हो जाएगा. मान लीजिए आपने π/2 रखा, -π/2 भी रखा, तो प्रॉब्लम ये है कि जब आप -π/2 रखेंगे तो ये तो -1 होगा, पर ये π/4 हो जाएगा, नहीं 1/√2 का स्क्वायर, नहीं 1/2, तो -1 कभी भी नहीं मिलेगा. यानी इस केस में हम बोल सकते हैं डायरेक्टली नो सॉल्यूशन, या ऐसा भी बोल सकते हैं sin²x/2 कभी भी -cos(x) के नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, इसलिए इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन, राइट. नोट कर लीजिए. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने वाला. द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4 (sin²x + 2cos²x + 4)/(1 + 2sin²x - sin²x), राइट, ये माइनस है यहां पर, नहीं प्लस ही है, ठीक है. क्या है, 4 (sin²x + 2cos²x + 4)/(1 + 2sin²x - sin²x). अब आपको बोला (=65 in 0 to 25), तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन. अब थोड़ा अगर हम इस क्वेश्चन को लॉजिकल तरीके से सोचें तो एक चीज समझिए, 65 कब मिल सकता, जबकि जैसे अगर 4³ + 1 हो तो 4³ होता है 64 + 1, यानी एक की वैल्यू होना चाहिए पूरे की 0 और एक पूरे की वैल्यू 3 के इक्वल होना चाहिए. अब ये कैसे हो सकता अगर हम थोड़ा सा सोचें, तो मान लीजिए कि अगर मैं 0 से π/2 में पहले एक एग्जांपल की 0 ही पुट कर दूं तो ये 4² मिलेगा और ये 4^1 मिलेगा, नहीं होगा. अगर मैं ठीक π/2 रख दूं, तो π/2 रखा तो यहाँ पर sin π होगा तो sin π = 0, यहाँ पर π/2 रखा तो वो भी 0 हो गया, तो 4^0 = 1. अब यहाँ पे आइए, अगर आप π/2 रखते तो क्या होता, 1 + 2 (2) हो जाता और ये 0, 4³ यानी 64, यानी π/2 पर तो कर रहा है, पर प्रॉब्लम ये कि कहीं कोई बीच का रूट तो नहीं कर रहा है. एक बात समझ में आ गई कि एक रूट तो मिलेगा, अब कहीं बीच का तो नहीं कर रहा, तो इसको कैसे करेंगे. अब देखिए ये sin²x है, 2 cos²x है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये 2 sin²x है, sin²x है. अगर मैं चाहूँ तो इस अकेले को देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है, 4 पावर sin 2x
प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस फोर पावर वन प्लस, अगर इसको भी कॉस में चेंज कर लूँ तो टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है टू माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स, यानी लॉजिकली मैं ऐसा लिख सकता हूँ थ्री माइनस बाहर लिख दूँ तो थ्री माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू एक्स, राइट। यानी लॉजिकली देखें तो फोर की पावर साइन टू एक्स प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस फोर का क्यूब यानी सिक्सटी फोर अपॉन फोर पावर टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू एक्स, दिस इक्वल टू सिक्सटी फाइव। अब ये क्वेश्चन इजीली हो गया। इस पूरे को अगर आप वाई मान लें, सोचिए इस पूरे को अगर मैं वाई मान लूँ तो यहीं कहीं करूँ तो 64 अपॉन वाई इक्वल टू 65, यानी वाई की केवल एक ही वैल्यू हो सकती है वो 1, क्योंकि 1 रखने पे ही ठीक 65 होगा। 1 मतलब यानी ये पूरा 1 के इक्वल होना चाहिए, तो 4 पावर 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2 एक्स इक्वल टू 1, 1 मतलब 4 की पावर 0, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2 एक्स इक्वल टू 0। आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं कि आप 2 cos x कॉमन ले लें, तो यहाँ से बचेगा cos x, यहाँ से बचेगा sin x। अब cos x इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू पाई बाई 4, इससे तो tan x 1 प्लस tan x तो 0 होगा नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसमें तो tan x इक्वल टू माइनस 1 जो इस रेंज में नहीं आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 यानी इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा 1 ओनली। क्या सॉल्यूशन होगा? वन ओनली, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड ए फॉर विच टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स क्या है? टेन थीटा है और कॉट थीटा है। क्या करोगे? सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो की बने, प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स छोड़ दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूँ तो टेन इंटू कॉट वन होता है, तो वन इक्वल टू बी यानी बी की वैल्यू वन आ गई। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, अब आपको पता है कि क्योंकि रूट्स रियल होंगे तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ए स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यानी ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, तो मॉड ए ग्रेटर देन इक्वल टू टू। अब मिनिमम वैल्यू पूछिए, लीस्ट वैल्यू पूछिए, तो लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? टू। अच्छा और सिंपल क्वेश्चन था, राइट। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, समझिएगा। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो एंड कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी कॉस एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसके रूट्स अल्फा बीटा है। अभी अगर साइन एक्स की इक्वेशन है तो ऑब्वियसली आपको एक तरह से ऐसा बोला है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू सम ऑफ रूट्स बोले तो माइनस ए, और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोले साइन अल्फा इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पर हम जाएं तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू माइनस सी। अब ये क्यों करा मैं बताता हूँ। आपको पूछा साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा को हम अगर 10 के हाफ एंगल में लिखें तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा, सॉरी 2 टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं इस पर सी डी फॉर्मूला लगा के डिवाइड कर दूँ तो ये मिलेगा साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइड किया तो ये ऐसा मिल जाएगा इक्वल टू ए बाय बी, यानी ये मिल गया 10। तो आप बोल सकते हैं 2 ए बाय बी, स्टेप्स कम से कम लिख रहा हूँ समझिएगा, तो ये मिल गया 2 ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। इसमें एक मिनट, सॉरी ये सी था तो सी लिखिएगा, तो ये ए बाय सी हुआ, ये भी a बाय सी स्क्वायर हुआ, तो 2 ए सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 ए सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज अ राइट आंसर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है। द इक्वेशन साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू के हैज रियल सॉल्यूशन, देन क्या सॉल्यूशन होगा देखते हैं। देखिए अगर आप चाहें तो इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं, राइट, दिस इक्वल टू के, चाहूँ तो मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऐसा भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x प्लस साइन 2x इक्वल टू 2k, या ऐसा भी बोल सकते हैं साइन 2x माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2k माइनस 1, राइट। अब अगर इसके कोफिशियंट के स्क्वायर रूट का डिवाइड कर दें यानी 1 बाय रूट 2 कर दें तो ऐसा मिल जाएगा ये साइन
2x माइनस 5 बाई 4 इक्वल टू 2k माइनस 1 अपॉन रूट 2, इसकी वैल्यू माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में ही होगी, यस और नो? तो आपसे k बोला है तो रूट 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा माइनस रूट 2 लेस देन इक्वल टू 2k माइनस 1 लेस देन इक्वल टू रूट 2, प्लस 1 भी हो जाएगा यहां जुड़ जाएगा, राइट? तो आपको प्लस 1 जुड़ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, क्लियर है बात? ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 2 अपॉन 2, 1 प्लस रूट 2 अपॉन 2 इज आर राइट आंसर, राइट? नोट डाउन दिस क्वेश्चन।